बीजेपी सांसद हुक्मदेव नारायण को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा, ये खबर मिल रही है। सांसद करिया मुंडा को भी पद्म भूषण मिलेगा, ये एक और बड़ी खबर। ये देखिए पूर्व संध्या जो होती है 26 जनवरी की, उससे पहले ये पूर्व संध्या पर ये लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, और इसमें आपको नजर आ रहा है कैसे बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। अभी पद्म भूषण कि ये खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अकाली दल नेता सुखदेव सिंह ढींढसा को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। और प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनका रुख करते हैं। प्रशांत, और कौन कौन से वो नाम, कौन कौन से वो चेहरे? जी देखिए, अभी अभी ये सूची जारी की गई है पद्मा पुरस्कारों की, और उसमें जो नाम आपने बताया उसके अलावा मनोज वाजपेयी जो जाने माने अभिनेता हैं उनको भी पद्मश्री पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। उसके अलावा तीजन बाई, जो पद्म विभूषण जो सबसे बड़ा सम्मान होता है भारत रत्न के बाद, उसमें तीजन बाई जो प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ की गायिका हैं और उनको पद्म विभूषण देने का ऐलान किया गया है। उसके अलावा और 25 भूषण देने का ऐलान किया गया है। तो लगातार जैसा आपने ठीक कहा, अभी अभी चूंकि सूची आई है उसको मैं पढ़ के अगर मैं सुना सकूं आपको, ये देखिए 25 लोगों की सूची आई है। बचेंद्री पाल जो पर्वतारोही हैं उनको दिया गया है। उसके अलावा जो जाने पहचाने करिया मुंडा आपने नाम लिया उनका, दर्शन लाल जैन हरियाणा से हैं, सोशल वर्क के लिए उनको दिया गया है। सुखदेव सिंह ढींढसा आपने कहा, जो इन चार तीन लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया उनमें तीजन बाई, उसके अलावा इस्माइल उमर गुलेला, ये विदेशी हैं, जिबोती से आते हैं ये, और इसके अलावा अनिल कुमार मनी भाई नायक ये महाराष्ट्र से हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको दिया गया है। और एक चौथा नाम भी है बलवंत पुरंदरे का, ये आर्ट और एक्टिंग थिएटर से आते हैं महाराष्ट्र से। तो इन चार लोगों को अभी अभी ये खबर आ रही है कि पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। 26 जनवरी के एक दिन पहले जैसा आपने ठीक कहा कि इन सारे पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है, और अब से कुछ देर पहले इन पुरस्कारों का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन हम लगातार ये कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है उस पर सबसे ज्यादा चर्चा होना तय है, और उस पर चर्चा शुरू भी हो गई है। अब ये बताइए कि जिस तरीके से चर्चा प्रणब मुखर्जी पर हो रही है, उसी तरीके से चर्चा जो है भूपेंद्र हजारिका पर भी होगी, और उसी तरीके की चर्चा आप समझ जाइए कि नानाजी देशमुख पर भी होगी। जो आइडियोलॉजी का मैं जिक्र कर रही थी और जिसकी तरफ पॉलिटिकली भी कहीं ना कहीं इशारा करने की कोशिश हो रही है, उसको भी तो वोटर्स देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, और उनको साधने के लिए ये तस्वीर। जी देखिए, आपको याद होगा पिछली बार भी जब भारत दिया गया था रूबिका, तो अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया गया था। उस वक्त भी ऐसे सवाल उठे थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जाहिर तौर पर एक खास विचारधारा से ताल्लुक रखते थे, और इसलिए उन पर सवाल। जो नाम अभी मुझे बताया आपने, मैं जरा उसका जिक्र कर देती हूँ एक बार फिर से, दर्शकों को बता देती हूँ ताकि आप वो पूरी लिस्ट जो है खंगाल पाएंगे प्रशांत। लेकिन इस वक्त मैं दर्शकों को ये बता देती हूँ कि कौन कौन वो लोग हैं जिनका लिस्ट में नाम शामिल है। कादर खान को भी मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा, इस वक्त की ये मास्टर स्ट्रोक ब्रेकिंग है। मरणोपरांत कादर खान को सम्मान, बीजेपी सांसद हुक्मदेव नारायण को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। करिया मुंडा जाने माने जो ग्रामीण इलाकों में बहुत काम करने के लिए पहचाने जाते हैं, अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा, और मनोज वाजपेयी उनको भी पद्मश्री से पुरस्कृत किया जाएगा। क्रिकेटर गौतम गंभीर का भी जिक्र है, उनका भी नाम है इस लिस्ट में, पद्मश्री पुरस्कार से उनको भी नवाजा जाएगा। कादर खान को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।